This was P.S. Rathore, exclusively, separately dedicated faculty for your strategic management subject. Here I am presenting the answer key, the suggested answer key of your exam number 2017. Must check your answer and then get relaxed ki how much marks you're going to get. So this is the suggested answer key of your number 2017 exam. And yes, I shall request you, please subscribe my channel to be updated all the times, and about the rest of the subject also will try to update the answer key within a week. Now we are starting about the answer key. The first question, that is question number 8A. Explain the need of environmental scanning for business organization. Need of environmental scanning of business organization. आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने अपने बुक के चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 20 में क्लियरली आंसर कोड के साथ दिया होगा. आंसर कोड होगा FCI इवैल्यूएट फॉर्मुलेट सेट ऑब्जेक्टिव टू ग्रो. ये आप देख लीजिए, आंसर आपके सामने खड़ा हुआ. लुक एट दिस आंसर. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. FCI evaluate formulate set objective to grow. और मैंने आपको अपनी क्लास में याद करवाया था और लिखवाया भी था और व्हाट्सएप से भेज के आपको याद भी करवाया था. अब F का मतलब था facilitate and foster strategic thinking. C का था change understanding both present and future. Input I से था input for strategic decision making. A से था evaluating present strategy, F से था formulating future strategy, S से था setting strategic objective to grow. ये सारे 6 पॉइंट थे. इसमें एक एक लाइन आप लिखते इसमें 3 में से पूरे आपके आंसर मिलते. अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन. चूंकि आंसर की है, आंसर की में हम सारा चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए. आपको सिर्फ आंसर टैली करना है, सीखते तो हैं अभी नहीं. अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का भी 3 मार्क्स का. व्हाट आर द 3 एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटजिक विजन. आपको याद में मैंने याद करवाया होगा क्लास में, हमारा मेमोरी कोड था MLC. M का मतलब मिशन रिलेटेड, L का मतलब लॉन्ग टर्म पाथ, C का मतलब कम्युनिकेशन. ये आंसर आपको लिखना था. मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा मेन पर्पस है आपको बताना कि ये क्वेश्चन हमारे पास है. और ये क्वेश्चन मेरे बुक में मैं बिल्कुल आपको कोड से आंसर लिखा के कॉपी में भी लिखाया होगा. ये चैप्टर 1 सेक्शन 8 क्वेश्चन 2. अब हम जा रहे हैं आपके पास द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी, 8 का सी. स्टेट द रीजन व्हिच द कंपनी थिंक ऑफ गोइंग टू डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी. State the reason which the company thinks for going to the divestment strategy. इस क्वेश्चन को घोट घोट के मैंने रटाया था और इसका मैंने कोड दिया था टूट गया TUUT, टूट गया कंपटीशन से. और ये पूरे के पूरे कोड आपको लिखाया था और हमने टूट गया कंपटीशन में टी था when turnaround failed, यू था unmatched acquisition, U था unprofitable product, T था technology upgradation and not matching with this, S था severe competition and because of this, और E था evaluators. आपने evaluate किया और पाया कि आपके पास better options हैं, तो टूट गया competition से. ये code था हमारा ये question number 8C के लिए. ये है question number 8 का D, give various method for evaluating the worth of business. ये मैंने कवर किया होगा चैप्टर 1 सेक्शन 7 क्वेश्चन 4. इसका मेमोरी कोड था NPO. N का मतलब था नेटवर्थ मेथड, याद आया मैं बार-बार समझाया था. P का मतलब था फ्यूचर बेस्ड प्रॉफिट, उसके ऊपर भी हम कंपनी का आकलन करते हैं. O का मतलब था अदर. अदर में भी 3 था. पहला आपको याद कराया होगा सिमिलर कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, और उसके बाद था प्राइस अर्निंग. आपको याद है प्राइस अर्निंग का मतलब ही समझाया था क्लास में. मोस्ट ऑफ द बच्चों ने प्राइस अर्निंग का जो तरीका बताया था बिल्कुल गलत बताया था. फिर हमने उसको समझा के आपको लिखाया था प्राइस अर्निंग मेथड. एंड ओ का मतलब था आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर. तो कोड था NPO, ओ में भी 3 था और ये पूरे के पूरे आपके पास 5 पॉइंट थे और ये 5 पॉइंट लिखते ही आपको 3 नंबर मिलते. ये आपने
पता नहीं क्या किया नहीं किया, इसको समझिएगा। कोर्ट के साथ मैंने आव्याद करवाया था। इसके बाद हमारा था डिस्कस विद एग्जाम्पल द रेलिवेंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आपको याद होगा ये मैंने कहा था कि जब भी स्ट्रैटेजिक कर्व जैसे क्वेश्चन आए, एक्सपीरियंस कर्व जैसे आए, आपको जरूर लाइन लिखना है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एनालिसिस। आपको याद है एक बच्चे को मैंने थप्पड़ भी मारा था, अबे नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे जाता है, याद आया आपको? ये सारी चीजें आपको कराई थी और ये मैंने कवर किया था चैप्टर 3 के सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 5 में। और ये ग्राफ आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस कर्व कैसे जाता है। इसमें भी मैंने एक कोड कराया था, अगर आपको याद है तो कोड था रिजल्ट कि आपको ये जरूर पॉइंट लिखनी है, क्योंकि सिर्फ ग्राफ बनाने से नंबर नहीं मिलेगा। आर का मतलब था रीडिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, ई का मतलब था इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एस का मतलब था स्केल ऑफ प्रोडक्शन, एल का मतलब था लर्निंग इफेक्ट, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन। ये सारे बातें आपको बताई थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको तैयार करा के भेजे थे। आपने आंसर चेक किए होंगे, मुझे पता है और मुझे लगता है 100% आपने सही आंसर लिखे होंगे और लिख करके आगे गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब पहला क्वेश्चन है एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इज हाईली वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी, द आंसर इज करेक्ट। आपको याद है मैंने 4 वर्ड भी समझाया था कि ये बहुत ही वर्सेटाइल है, इसमें पिटफॉल्स हैं, ये बहुत डायनामिक है। 4 वर्ड बनाया था, डायनामिज्म, वीगर, पावर एंड कमिटमेंट ऑफ सक्सेस। यही बात, यही परिभाषा आपको लिखना था जो परिभाषा आपके सामने बताई गई थी। ये 4 वर्ड आपको लिखने थे। ये भी लिखना था कि लीड करता है ऐसे रास्ते पे जहां बहुत सारे पिटफॉल हैं। तो ये आपको रीजनिंग में एक्सपेंशन की परिभाषा आप लिख सकते हैं, आराम से चला जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि रिलेटेड भी होता है, अनरिलेटेड भी होता है। ये आंसर आपको लिखना था। नाउ अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्वेश्चन है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, द आंसर इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया होगा चैप्टर 1 सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 10। मैंने आपको कहा होगा कि वर्टिकली सेम लाइन में जाता है, मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल दिया होगा। अगेन हॉरिजॉन्टल मैंने कहा था इसके 3 कैटेगरी हो सकते हैं, ये बाई प्रोडक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट्री हो सकता है और साथ में सेम लेवल का टेक ओवर हो सकता है। और यही बातें आपको यहां पे लिखनी थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट और ये कहता है गवर्नमेंट एज ए सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट मे बी रिगार्डेड बोथ एज एन एड एज एन इंप्लीमेंट टू बिजनेस डिस्कस। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया होगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपने इसमें लेके आना है। और इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया होगा चैप्टर नंबर 2 ऑन सेक्शन 1 एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस में मैक्रो एंड माइक्रो के केस में किया होगा। मैंने बड़े सारे एग्जांपल दिए होंगे और मैंने कहा होगा कि मैक्रो गवर्नमेंट एक मैक्रो फैक्टर्स है और बड़े सारे एग्जांपल देके आपको मैंने समझाया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैंने कहा होगा कि आपको परिभाषा लिखनी है और साथ में फीचर भी लिखनी है। याद है परिभाषा कितनी जोर जोर से हमने बोल बोल के याद किए थे, TQM पीपल फोकस मैनेजमेंट सिस्टम्स एम्स एट कंटिन्यूअल इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एट कंटिन्यूअली लोअर कॉस्ट। याद है हमने फीचर में भी कहा होगा और फीचर में आपको हम लेके बताए होंगे कि कैन एफ बी हेल्प क्वेश्चन, कैन एफ बी हेल्प क्वेश्चन और उसके सारे उस कोड में हमने एक एक चीज आपको समझाया होगा। तो ये आपको फीचर भी लिखना बहुत जरूरी था, उसमें इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी था, ये समझना बहुत जरूरी था। अगेन इसका जो सेकेंड पार्ट है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वाला और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है, प्रैक्टिसेस। आपको याद है ये प्रैक्टिसेस याद करवाया था मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताया था प्रैक्टिस 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 और मैंने कहा था क्वेश्चन में ही आंसर एग्जाम में दिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, टीक्यूएम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, आंसर क्या था, प्रैक्टिस। और मैंने आपको यहां पे बताया था पी का मतलब प्लानिंग, आर का मतलब रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर, ए का मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपको ये बताया था सी का मतलब चेंज, टी का मतलब टीम वर्क, आई का मतलब इनोवेशंस, क्रिएटिव मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीजें आपको बता के गया हुआ था। और ये मैं गारंटी देता हूं अगर मेरा बच्चा क्लास में सिर्फ
बैठा होगा तो भी ये 7 नंबर उसके हाथ में एज ए गिफ्ट मिले होंगे। ये आपका सजेस्टेड आंसर की है 2017 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट। आप देखते हैं अभी तक हर एक एक वर्ड क्वेश्चन नंबर के साथ सेक्शन के साथ बता रहा हूं, जिसका प्रिपरेशन मैंने क्लास में आपके लिए कराया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिस्कस द ब्रॉड एरिया इन विच फंक्शनल स्ट्रैटेजी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैरिड ऑन। अब ब्रॉड एरिया में आपको याद है पूरी मेहनत करके मैंने रोल प्ले कराया होगा, याद है वो रोल प्ले, कॉर्पोरेट लेवल याद है आदि गोदरेज, फिर हमने कराया होगा फंक्शनल एमआरपी ऑफ एचएलए, मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्शन, अदर, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, और दो बिजनेस कराए होंगे, दोनों के वर्टिकल मीटिंग कराए होंगे, याद है वो रोल प्ले। उस रोल प्ले में मैं तकरीबन मैंने आधा घंटा लगाए होंगे। तो यहाँ पे वही बात है कि फंक्शनल लेवल क्या स्ट्रैटेजी कर सकता है, इसमें आपको मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्शन, अदर, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना था, सेम रोल प्ले आपको बोलने थे, और ये मैंने चैप्टर 1 सेक्शन 1 क्वेश्चन 3 में आराम से डिस्कस आपको कराए होंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एनकंपासेस 3 फेजेस। यस, 3 फेजेस में आपको ये मैंने याद कराया होगा, और मैंने ये भी कहा इसको एसएमएम मॉडल भी कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें 10 है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। आपको ये भी बताया होगा कि यहां तक फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगा, इसके बाद इवैल्यूएशन होगा। एसएमएम मॉडल ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 3 फेज है, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन। आप ये डायग्राम देखिए, आपके डायग्राम के सामने है, एक एक रटवाया होगा, आपके हाथ से लिखवाया होगा, आपसे लिखवा के मैंने व्हाट्सएप पे मंगवाया होगा, लास्ट समय तक आपको एसएमएस भेजे होंगे कि लिख के भेजिए, लिख के भेजिए, लिख के भेजिए। दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नहीं कि आप इसे खिलवाड़ करेंगे और पास भी हो जाएंगे। जितनी मेहनत आप आईटी के लिए सोच रहे, आने वाले में तो और आईटी का लेंथ बढ़ गया, लेकिन है तो 50 नंबर का ही ना, तो क्यों नहीं स्ट्रैटेजी लगाओ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 50 में 45 लेने हैं, आईटी में 20 भी आ गया तो 65 नंबर आ गए जी, कहानी खत्म हो गई। नहीं, आप तो वहां पे टाइम लगाओगे, यहां पे तो मेहनत क्या करना, और फिर एग्जाम में के बाद लिखोगे ओके ओके पेपर गया, और फिर बोलेगा बहुत टफ आया। कहां से टफ आया आप जरा देख लीजिए, आपके सामने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, 50 नंबर का, आईटी का चैप्टर नहीं है, समझिए इस बात को। और इस बात को मैंने पोर्टफोलियो एनालिसिस में भी समझाया था, ताकि आप अपनी रिसोर्स कितना लगाओ और कितना रिटर्न निकालो आपको निकल सके। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आया है, एज्यूम दैट यू आर अ मैनेजर मेकिंग अ बिजनेस प्लान, प्रोवाइड अ चेकलिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड एनालिसिस ऑफ द मेकर सच अ प्लान। यह है क्वेश्चन नंबर 12 का ये। और मजे की बात देखिए कि वहां पर डायग्राम मांग लिया, यहां पर एक्सप्लेनेशन मांग लिया। अब आप एज ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैनेजर के तरह क्या करेंगे, आप क्या करेंगे जो स्ट्रैटेजिक मॉडल में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में टास्क है वही करेंगे। और ये टास्क बड़ा सिंपल है, आप एनवायरनमेंट को इवेल्युएट करेंगे जो कि डायग्राम में आपको मिला होगा, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट। आप विजन सेट करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आप इंप्लीमेंट करेंगे, कॉर्पोरेट लेवल पे हुआ नहीं हुआ वो देखेंगे, मेजर हुआ या नहीं हुआ, यही बात यहां पे लिखी हुई है, वही जो डायग्राम में है। यहां एक्सप्लेन, सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा और कई बार पूछा है, मैं क्लास में बार बार पढ़ा था, याद है पहले भी एडीएल मैट्रिक्स मैंने क्लास में बोला होगा, 2 बार पूछ लिया, एक बार डायग्राम पूछ लिया, एक बार एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, इस बार फिर उसने यही कर दिया। और मैंने ये बात क्लास में बता के गया था जी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हैं, ये चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1 क्वेश्चन 16 में मैंने आपको करा रखा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, एक्सप्लेन मिशन ब्रीफली, डिस्कस द मेजर एलिमेंट ऑफ द इफेक्टिव कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट। अरे ये वही तो है गाइडलाइन, गाइडलाइन फॉर द मिशन स्टेटमेंट। आपका बड़ा सिंपल है, मिशन में आपको बताया था ना, एक चुटकी सिंदूर का कीमत, आप क्या जानो रमेश बाबू। और याद है किसी ने क्लास में कहा था ये औरत के सर का ताज है, अरे ये हमारे स्ट्रैटेजी का ताज है, आ गया ना आपके लिए। ये क्या था व्हाट आई डू, ये क्या था हाउ आई डू, ये क्या था फॉर हुम आई डू, ये तीनों मिलकर क्या बन जाता है मिशन स्टेटमेंट। और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने कोड दिया होगा मिशन फॉर व्हाट हाउ एंड फॉर हुम। और गाइडलाइन में आपको बताया होगा कोड प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया होगा कि प्रॉफिट इज नॉट द ओनली मोटिव
फिर आपने बताया होगा इट्स हाईली पर्सनलाइज, फिर आपको बताया होगा रीजन टू एग्जिस्ट, फिर आपको बताया होगा ऑप्टिमम प्रायोरिटी, फिर आपको बताया होगा फ्यूचर ओरिएंटेड, फिर आपको बताया होगा स्पेशल आइडेंटिटी, फिर आता बताया होगा ट्रांसपेरेंसी। एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल से आपको दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। आपको याद होगा चैप्टर 6 में सेक्शन 4 के क्वेश्चन नंबर 3 में काफी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया होगा कि ऑपरेशनल कंट्रोल एक प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस होता है जिससे हम जो एक्चुअल होता है उसे कंपेयर करते हैं। ये रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल होता है, इन्वेंटरी के रेस्पेक्ट में होगा, प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में होगा, क्वालिटी के रेस्पेक्ट में होगा, कॉस्ट के, प्रोडक्शन के। आपको याद होगा यूक्यू के एग्जाम्पल दिया था कि आपने अपना कॉस्टिंग में यूक्यू पढ़ा होगा। ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल का डिफरेंस आपको बताए गए थे कि ऑपरेशनल कंट्रोल एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में होता है, एक इंडिविजुअल के बारे में बोला जाता है, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल एज अ मैनेजमेंट फिलॉसफी जो टोटालिटी में देखा जाता है। मैनेजमेंट कंट्रोल जो हमारी बात है वो मतलब वो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को मीट करना है, आपको क्लियरली बताया जाता था। ये इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होता है जो कंप्लीट डिपार्टमेंट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जबकि ऑपरेशनल जो है ये आपके इंडिविजुअल के होता है। आप आंसर देख सकते हैं, सेम आंसर आपको डिक्टेट किया गया था और आपको समझा के भेजा गया था। इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर से ये क्वेश्चन दो बार आ गया, एक बार वैल्यू चेन में आ गया और एक बार इंडिपेंडेंट तीन नंबर का आ गया। आपको याद है इनबाउंड लॉजिस्टिक, वो याद है वो गेम और रोल प्ले आपको खिलाया था, रोल प्ले क्या था वो याद है, आउटसोर्सिंग वाला, हाँ वो कैप लेके आ रहा है, कोई बॉटल लेके, याद है वो पीछे एक बच्चे के ऊपर पूरे पानी गिरा दिया था और फिर हमने पूछा था ओ तुमने क्या कर दिया, सारे बच्चे हंसने लगे थे। हमें ये भी ध्यान नहीं होता कि वो ठंड का दिन है या गर्मी का दिन है, हम तो पूरा पानी गिरा ही देते हैं, एकदम ठंडा पानी गिराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इनबाउंड वो याद है वो बच्चे जो ट्रक बन के आए थे, एक ट्रक बन के आया था वो इनबाउंड लॉजिस्टिक वाला था, एक ट्रक बन के आया गया तो वो कौन सा था, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये वही बात है तो आपको लिखनी थी पूरे तीन नंबर में। इनबाउंड वो वाला आ गया मार्केट से लेकर स्टोर तक कहाँ जा रहा है वो इनबाउंड है, और फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट से बाहर कैसे जा रहा है वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। वही चीजें आपको लिखनी थी, एक एक चीज रोल प्ले का आंसर है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फैमिली मैनेज एंटरप्राइजेस। याद है द टाइप ऑफ कोऑपरेशन में पढ़ाया था कैरेट्सू के बाद आपको सारे चीज आते थे कॉन्ग्लोमरेट, उसमें था एक फैमिली मैनेज। आपको याद हो रिलायंस की कहानी भी सुनाई थी, वो सिंह ब्रदर्स की कहानी भी सुनाई थी जिसमें रिलायंस के झगड़े सब जगह देखे गए, नंदा के बिजनेस है। ये झगड़े वाली बात होती लिखनी थी कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड इश्यूज दे हैव। यही बात तो आपको लिखनी थी कि छोटा छोटा डिसीजन फैमिली मेंबर लेते हैं तो उनके घर में जो छोटी छोटी क्लेश होती है उसका भी इफेक्ट बिजनेस पे दिखता जाता है। वो बड़े कम लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को अलग रखते हैं और घर के प्रॉब्लम को अलग। तो यही तो चैलेंज और इश्यूज था जो आपको लिखाया था। वो याद है जो मैंने बताया था कि अंबानी ब्रदर्स में कितने झगड़े हुए, नंदाज में कितने झगड़े हुए, वो झगड़े वाली तो बात यहाँ लिखनी थी। ये आपने देखा होगा जो मैंने चैप्टर 1 सेक्शन 5 और 6 में आपको सब कुछ समझाया होगा। आप ये आंसर देख सकते हैं, आपको मैं एक एक आंसर ये समझाया था। ये बात आते हैं द बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। याद है बैलेंस स्कोर कार्ड में वो कॉफी वाली कहानी, और मैंने कहा था आपके स्कूल में कनेक्ट करके एक एवरी इंडिविजुअल में होता है कि जब भी आप बैलेंस स्कोर कार्ड आप कॉफी जरूर लिखेंगे, कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इनोवेशन हर एक्टिविटी का इम्पैक्ट होता है। याद है वो बताया था आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बिल्डर था, एक बिल्डर की वाइफ थी, बिल्डर ने अपने घर में जाके कहानी बोला अरे यार हम बहुत लॉस में है। उसकी बीवी गई ऑफिस में सबको निकाल दिया। हाँ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ लेकिन कस्टमर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इनोवेशन सब खत्म हो गया। तो हर एक्टिविटी को चारों पैरामीटर में मेजर किया जाता है कि कंपनी के लिए क्या बढ़िया है क्या नहीं है, और फिर आगे जाता है ये एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है उसके लिए निकाला जाता है। आपको याद है ये कॉफी का मेमोरी कोड आपके दिमाग में डाल के मैंने आगे आया होगा। पता नहीं आपने क्या किया है, मैं बार बार बोलता था क्लास में बैठना बहुत जरूरी है, क्लास बंक नहीं करते, और फिर बोल रहा हूं आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या EIS का एक चैप्टर नहीं है। ये 50 नंबर देके जाता है और इसमें अगर मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों ने 45 लाए हैं, 45 50 में 45 आप ला सकते हैं। आपको पता होना चाहिए एक 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 आंसर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मॉड्यूल का आंसर है जो आपके दिमाग में घोट घोट के क्लास में पिलाया हुआ है।
अब इसी पोर्शन में हम आगे जाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वैल्यू चेन. आपको याद है वैल्यू चेन में आपको ये इनबाउंड लॉजिस्टिक मैंने दो सेट ऑफ एक्टिविटीज बताया होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज सपोर्ट एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड बताया होगा, ऑपरेशन बताया होगा, आउटबाउंड बताया होगा, मार्केटिंग बताया होगा, सेल्स. ये आपको डायग्राम कम से कम 20 बार बनवाया होगा, यस और नो? अगर यस है तो एक बार ध्यान रखिएगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम बाकी का भी सजेस्टेड आंसर की हम आपको दे सकें. आपको लाइक करना है और कमेंट करना है. देखिएगा सीधा सवाल है, अगर आपने पढ़ा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेट पीपल अंडरस्टैंड. अदरवाइज पूरी मार्केट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईएएस का चैप्टर बना देगी. बड़ा दर्द होता है जब मैं देखता हूं कि फर्स्ट ग्रुप तो निकल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन ये सब्जेक्ट घुमा रहा है. क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ईआईएस का एक चैप्टर मान लिया. अगर ये गलती करेंगे तो एग्जाम में दिक्कतें होगी, ये बात समझ लीजिए. और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम और नंबर पूरा डिटेल में दिया गया है. इंक्वायरी कीजिए, क्लास लीजिए और क्लास लेने के बाद डिफरेंस देखिए और फिर समझिए. सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा. पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में अकेला राठौर इंस्टीट्यूट है जहां एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज फैकल्टी है दोनों सब्जेक्ट के लिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए पीएस राठौर मैं खुद हूं एंड ईआईएस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अतुल गुप्ता सर है. अतुल गुप्ता हु लव्स टीचिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पैसे के लिए नहीं, प्यार के लिए. The person has fallen in love with the teaching information technology and being a chartered accountant and taking lot of additional certification in different courses of information technology. He teaches you the information technology or EIS subject. दोनों फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के लिए मरते हैं. Choice is your. दोस्तों आपको विश यू ऑल द बेस्ट करता हूं. आपने सही किया होगा तो बहुत बढ़िया, गलती हुई होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा भी कहीं होता है सीए के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करो 70 आता है 7, एक्सेप्ट करते हो 17 आता है 70, तो कई बार भगवान भी सामने होता है. मंदिर जाओ, अपने भगवान के पास जाओ, दुआएं मांगो, मिराकल्स होते हैं. आपके लाइफ में भी मिराकल्स हो सकता है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट. मैं परसों आपको दुनिया के दो सबसे सुपर स्ट्रैटेजिस्ट की कहानी आपको इस चैनल पे डालूंगा. वो कौन थे, उन्होंने स्ट्रैटेजी कैसे बनाया, एक्साइटमेंट क्या है, थ्रिल क्या है, उसके बारे में जानने के लिए परसों आप एक बार फिर से हमारे चैनल पे आइएगा. सब्सक्राइब कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिए. और हमने प्रतिज्ञा लिया है कि हम आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे और आप समझते रहेंगे ताकि यू फॉल इन लव विथ स्ट्रैटेजी. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.